अस्सलामुअलैकुम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं बना रही हूँ आज आलू मटर की सब्ज़ी, जो यकीनन आपको अच्छी लगेगी। सबसे पहले मैंने लिया है ऑयल, और 1 कप के करीब मैंने लिया है ऑयल, उससे थोड़ा कम ही था। तो इसमें डाले हैं मैंने प्याज, 1 अदद मैंने डाला है प्याज, और इसको लाइट ब्राउन किया है। लाइट ब्राउन करने के बाद मैंने डाला इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के पेस्ट डालने के बाद मैंने इसको एक दो मिनट लगा ली, मैं बुनाई की है, और फिर मैंने डाल दिया है पानी। पानी मैंने तकरीबन 1 कप के करीब डाला है, और जो टमाटर मैंने कट किए थे दरमियान से कट किए हैं, और उनको मैंने डाल दिया है इसके अंदर, और पानी डाल के मैंने ढकना लगा के इसको रख दिया है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं कि मेरी हर आने वाली वीडियो अब तक पहुंचे। अब मैंने छिलकों को चिमटे के साथ उतार दिया है, मेरे थोड़े हार्ड थे। आप तकरीबन 2 से 3 मिनट ज़रूर इसको पकाएं, जस्ट गल जाएंगे और छिलका आराम से आसानी से उतर जाएगा। और छिलका उतार दें और इसको अच्छी तरह चम्मच के साथ मिक्स कर लें, और इसको भूनते जाएं, और मसाले को जितना अच्छी तरह भूनेंगी बहुत मज़े का बनेगा। और इसको भूनते जाना है, और साथ पानी का छींटा अगर लगे कि ये नीचे लग रही है तो आपने पानी का छींटा लगा लेना। मैंने डाले हैं स्पाइस पे मैंने डाली है हल्दी 1 टीस्पून, लाल मिर्च 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, 2 टीस्पून, और सूखा धनिया 1.5 टीस्पून, काली मिर्च 1 टीस्पून, और इसको मैंने इसकी बनाई कर ली है। इसको आपने इतना भूनना है कि ये घी छोड़ने लगे, और इन स्पाइस जो है इनका जो स्मेल है या जो भी है इसमें मिल जाए। आपने इसमें पानी का छींटा लगाते जाना है और इसकी बनाई करते जाना है। मैंने तकरीबन 2-3 मिनट इसकी बनाई की है, बहुत अच्छे तरह से इसकी बनाई करते जाना है, और जितने भी मसाले हैं या जो ये डाले हुए हैं इनको मिक्स करते जाना है। सर्दियों में मटर बहुत अच्छे लगते हैं, ये फ्रेश सब्ज़ी है, हर घर में पसंद की जाती है, और बच्चे बड़े सब खुशी से या शौक से खाते हैं। अब इसकी अच्छे से बनाई करें, मटर डाले हैं मैंने 1/2 kg मटर लिए थे, और उनको छील के निकाले थे दाने, और 1/2 kg आलू ले आए, और इनको अच्छे से भून लेना है। भूनने के बाद ये घी छोड़ें, तो फिर मैंने इसमें आलू भी डाल दिए हैं, उनकी भी मैंने बनाई की है। इन दोनों सब्ज़ियों की अच्छे से बनाई कर लें, 1-2 मिनट तक इसकी बनाई कर लें। बनाई करने के बाद आपको जितनी ग्रेवी चाहिए उतना आपने पानी डाल लेना है। ये देखिए ऐसे घी छोड़ गई है, मैंने 1 लीटर के करीब पानी डाला था, क्योंकि मैं चावलों के साथ बना रही हूँ, मुझे थोड़ा शोरबा चाहिए था। और ये तकरीबन झटपट बन जाते हैं फ्रेश, ये जो मटर है ये बिल्कुल फ्रेश है, ये बहुत जल्दी बन रहे हैं। मैंने डाल के इसको दम लगा के ढकना बंद करके रख दिया। तकरीबन 5 मिनट के बाद मैंने ढकना उतारा है, और साबुत सब्ज मिर्चें डाल के इसको 2-3 मिनट के लिए 1-2 मिनट के लिए रख दिया। इसके बाद आपने चम्मच लाना है और चेक कर लेना है कि सब्ज़ी जो डाली थी वो गल चुकी है। ये आलू बहुत अच्छे से गल गए हैं, मैंने इसमें सब्ज धनिया कट करके डाला है, गरम मसाला डाला है, और अब मैंने ये रेडी हो गया। अब मैंने लिया ऑयल, ऑयल मैंने 3 चम्मच लिया, और 1 चम्मच ज़ीरा लिया। मेरे पास 1/2 kg थी चावल, मैं 1/2 kg चावल को ज़ीरा बना रही हूँ, ज़ीरा चावल, और ये मिनटों में बन जाते हैं, कितनी जल्दी बनते हैं। और मैंने डाला है नमक 2 टीस्पून, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप कितना नमक चाहिए। मैंने 1 चम्मच ज़ीरा डाला था, 2 टीस्पून डाले थे मैंने इसके नमक के, और चावल डाल दिए। ये बहुत अच्छे और बहुत जल्दी और खिले खिले से चावल बने थे। मैंने इसमें ऑयल बहुत कम डालता है,
मैंने इसमें धनिया भी थोड़ा सा कट करके डाल दिया है, वो ग्रीन ग्रीन थोड़ा अच्छा लगता है। तो चावल अब रेडी हो गए हैं, मैंने इनको दम लगाने के लिए रख दिया। मैंने इसे चेक कर लिया, चावल देखे कितने खिले खिले से बने हैं। मेरे पास हाफ के जी चावल थे, मैंने लीटर पानी डाला था और इसको दम लगा के तकरीबन 2-4 मिनट के लिए रख दें। और अब देखें ये चावल कितने अच्छे और खिले खिले से बने हैं। और ये ज़ीरा चावल थोड़े से ऑयल में बन जाते हैं, ज़्यादा नहीं डालें, थोड़ा सा डालें और ये बहुत अच्छे और खिले खिले से बन जाते हैं। ये देखें, जो आपको यकीनन अच्छे लगेंगे, आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आलू मटर कढ़ी कह लें, शोरबा कह लें, इसके साथ बहुत अच्छा। हाफिज़।